जब भी PFMS पर हम अकाउंट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन निकल कर के सामने आते हैं। बहुत सारे साथियों का भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि कौन से ऑप्शन में क्या डिटेल भरनी है, कहाँ से वो हमें मिलेगी, कैसे सबमिट करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कहाँ सबमिट होंगे वो, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इन सभी कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए एक छोटी सी वीडियो, मेरी जो पहली वीडियो है ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसकी सहायता से आपको PFMS की एक एक ऑप्शन की पूरी गहराई से डिटेल मिलेगी। मैंने आपके सामने बोला था कि मेरे क्लस्टर स्कूल जो है शिवपुर है उसका ये लॉगिन है, इसको मैंने आपके सामने लाइव ओपन किया हुआ है। तो इस पर कैसे काम करना है, कैसे आपको इस पर देखना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो आपको एडमिन लेवल पर करनी है। केवल एडमिन लेवल एक बार होना है, काम होना है, उसके बाद आपको मेनली जो काम है ऑपरेटर से होना है। अप्रूवल तो एक बार जब बिल बनेंगे अप्रूव उसको करेगा, मेन काम सारे ऑपरेटर से होना है। तो एडमिन जो है वन टाइम यूज है जब तक आपका मैप अकाउंट नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक दो अकाउंट आपके पास आए हुए हैं, एक तो ऑलरेडी जो मैप्ड है पंचकुला से हेडक्वार्टर से GFC का रखा है, इसमें ना ऊपर लिखा हुआ है स्कूल हेड ऑब्लिगेशन का। अगर आप लोग लेने आए हुए लेकिन आप अपना ही नाम लिखोगे ब्रैकेट में अपना डेजिग्नेशन डाल, तो मैं कहना चाह रहा था ये कि आपको दो अकाउंट आए हैं आपके पास, एक तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम जो पहले से ही आपका सेंट्रल जो स्टेट का अकाउंट है वो आपका आया हुआ है जो सभी को दिया गया था, तो वो मैप करना था, उसको डीएक्टिवेट करके आपको नया अकाउंट मैप करना है। तो आपको नया अकाउंट ओपन करने के लिए बोला था, शायद सबके अकाउंट आ गए होंगे, HDFC जीरो बैलेंस सब्सिडी वाले सबके आ गए होंगे, सभी ब्लॉक में आ गए हैं, तो आपके भी आ गए होंगे। तो अगर किसके मैप नहीं हुए तो अब आपको मैप करना है, मैप करने के बाद ये आपका काम आगे बढ़ेगा। और मैप का काम सारा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ही होना है, जो ये आपका मेन लॉगिन है आपका। तो इस लॉगिन को होगा जैसे ये आपका लॉगिन दिया हुआ है GSS को, तो ऐसे लॉगिन आपको भी दिए गए होंगे, कोई JIT प्लस पड़ौदी का होगा तो JIT प्लस पड़ौदी करके आया होगा, तो आपको ब्लॉक से ये लॉगिन मिले होंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रोसीजर पर आ जाना है। तो मैं पहला स्टेप शुरू करता हूँ, जब आप इस पर जाएंगे तो लॉगिन हो जाएगा आपका। लॉगिन होने के बाद आपको PFMS के लेफ्ट में पहला सबसे पहला आता है मास्टर, इस मास्टर पर जाना है। इस मास्टर में आपको शो दिख रहा होगा ड्राइंग लिमिट्स ऑफ एजेंसी, तो जो आपकी लिमिट ओपन की गई है आगे से कि आपको 50,000 दिए गए या 60,000 दिए गए या 1,00,000 दिया गया है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ड्राइंग लिमिट कितनी है। जैसे हमारे शिवपुर स्कूल का है, ये देखिए, तो आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है, स्कीम आपकी सेलेक्ट रहेगी HR 187 समग्र शिक्षा। हायरार्की लेवल आपको सेलेक्ट करना है, हायरार्की लेवल जो है हम ब्लॉक में है, ब्लॉक के अंदर हम विलेज में है, तो हमको हायरार्की लेवल विलेज में दिखा रखा है स्कूल को, तो आपको विलेज सेलेक्ट करना है। पहले आपको स्कीम ले लेनी है, स्कीम आपको हमेशा याद रखनी है कि हर जगह आपको HR 187 ही लिखनी है, और हर जगह पे स्कीम पूछेगा आपसे, जहां पर भी आप काम करेंगे वहां पर HR 187 आएगा ही आएगा। तो HR 187 आपको याद रखनी है कि हमारी समग्र शिक्षा HR 187 है। तो विलेज के बाद आप यहां से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए हरियाणा, ये देखिए मेरे सामने मेरे स्कूल की लिमिट आ गई। तो मैंने अब तक कितना खर्च कर लिया है, 1,26,450 आ रखे हैं, 1,19,000 बैलेंस है, कितना पैसा हमारा अभी हमारे खाते में है, कितना हम खर्च कर चुके हैं 5,000-6,000 के। तो ये आपका यहाँ पर आपकी डिटेल्स बता देगा, और ये मेरा अकाउंट है, ये अकाउंट को जरूर आप देख लें कि ये अकाउंट आपका ही होना चाहिए वाला, जो ZBC का अकाउंट आपको मिला है बैंक की तरफ से वो ये वाला होना चाहिए, ये स्टेट का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जब बिल बनाएंगे तो ये अकाउंट चले जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप मेंशन कर लें कि जो आ रहा है आपका अकाउंट ये आपका ही है ZBC वाला, तो यहाँ से आपकी ये डिटेल आ जाएगी।
चेक करने के लिए, तो ये ऐसे आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको मास्टर में जाना है, ड्रॉइंग लिमिट आपको देखनी है, एचआर अपना 187 आपको सिलेक्ट करना है, और वहाँ पर विलेज हायरार्की लेवल में और स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी, तो आपके स्कूल की लिमिट आ जाएगी। ये है आपका पहला मास्टर जो आपका आता है, ये देखिएगा, ये मास्टर है। मास्टर के अंदर आपको ड्रॉइंग लिमिट एजेंसी में जाना है और वही चीज करनी है, स्कीम सेलेक्ट करेंगे, एचआर 187 हायरार्की लेवल ब्लॉक हो जाए आपका स्कूल, स्कूल आपका विलेज आ जाएगा और वहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डिटेल आ जाएंगी। तो ये तो आपका है पहला, आपकी लिमिट चेक करने की आपके खाते में है कितने रुपये, कितना आपका अमाउंट डाला गया है समझ शिक्षा का, तो ये आपको यहाँ से चेक होगा। अब आता है जो आपको अकाउंट जो आपको दिया गया है समग्र शिक्षा का, जो ZBC वाला है, वो मैप हुआ है या नहीं हुआ है, आपने मैप किया है या नहीं किया है, यहाँ का ब्लॉक का मुझे पता नहीं है, लेकिन गुड़गांव में तो सारे मैप कर दिए गए, तो नहीं है ZBC वाला अकाउंट का है, तो आपको क्या करना है, जो आपको स्टेट वाला है पहले वो डीएक्टिवेट करना है और फिर अपना वाला जो अकाउंट आया ZBC वो यहाँ पर एड करना है। तो पहले तो आप डीएक्टिवेट बताता हूँ कि डीएक्टिवेट कैसे करना है स्टेट वाला जो अकाउंट है, तो आप जाएंगे माई स्कीम, इसके अंदर माई स्कीम में ही काम ज्यादा होना है, पहले आपने ड्राइंग लिमिट चेक कर ली मास्टर में, उसके बाद आप आएंगे माई स्कीम में जाएंगे, तो इसके अंदर दो चीजें, इसके अंदर सारी चीजें हैं, हमको जाना है ये आ गया डीएक्टिव स्कीम बैंक अकाउंट, ये आ रहा डीएक्टिव स्कीम बैंक अकाउंट, तो आपको इस पे क्लिक करना है। एचआर 187 आपकी स्कीम रहेगी, सर्च करेंगे, ये देखो आ गया एचआर समग्र शिक्षा से क्लिक कर लेंगे, ये आ गया है। आप अपना जो अकाउंट है उसको एक बार आप देख लेंगे, यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि वो है या नहीं है करके। देखो मेरे पास ये अकाउंट है, पहले वाले अकाउंट होंगे हमारे स्कूल के, शायद वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर दिए हैं। जो आपका अकाउंट अब आया है वो देखिए ये वाला है, ये दिखा रहा है आपका, तो यहाँ पर वो आपका कौन सा अकाउंट दिखाएगा, स्टेट वाला अगर आपका दिखाएगा अगर है तो यहाँ पर उसकी अमाउंट के साथ अमाउंट भी दिखाएगा, वो कितना अमाउंट डाला होगा उसमें, तो आपको क्या करना है पहले वो अकाउंट चेक कर लेना कि आपका कौन सा वाला है, अगर वो स्टेट वाला चल रहा है तो आपको उसके आगे क्लिक कर देना है। तो मेरा तो देखो हमारे स्कूल का जो है सिकोपुर का वो एक्टिवेट है और उसके आगे अमाउंट आ रहा है, तो ये एक्टिवेटेड अकाउंट है ZBC का। अगर आपका नहीं है तो आपको पहले स्टेट वाला डीएक्टिवेट करना है, वो यहाँ पर सर्च हो जाएगा आपका, एक ही अकाउंट दिखाएगा वो स्टेट वाला दिखाएगा, तो आपको क्या करना है वो चेकबॉक्स आगे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है और वो डीएक्टिवेशन के लिए चले जाएगा, और ये प्रोसीजर आपका 24 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे के अंदर में आगे से हो जाएगा, मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे में ये अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा ये वाला। लेकिन उससे पहले डीएक्टिवेशन पहले आपको ब्लॉक पे कॉल करके ये अमाउंट जीरो कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपका स्टेट वाले में अमाउंट लिखा होगा, तो ये अमाउंट आपको जीरो करना होगा। जब ये अमाउंट आप जीरो करेंगे तब ये अकाउंट जो है डीएक्टिवेट होगा स्टेट का, जब ये सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद डीएक्टिवेशन पे चल जाएगा, तो आप वेट करिए आपका एक दिन के अंदर में ये डीएक्टिवेट होके आ जाना है। तो ये प्रोसीजर है आपका जो अकाउंट आपका है, जो ये जीरो बैलेंस करने के लिए आपको ब्लॉक में करना पड़ेगा, BRC पे MIS कोऑर्डिनेटर कोई कर रहे होंगे तो वो आपका इसको जीरो करेंगे, ठीक है, ये जीरो होगा, जीरो होने के बाद डीएक्टिवेट होगा, फिर ये सबमिट हो जाएगा तो डीएक्टिवेट हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो ये प्रोसीजर है अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का, तो आपको लिखा भी आ रहा है डीएक्टिवेट स्कीम बैंक अकाउंट, तो आपको ये यहाँ से डीएक्टिवेट करना है। अब डीएक्टिवेट जब आपके होके आ जाएगा 24 घंटे के अंदर, तो आपको क्या करना है सेम माई स्कीम में जाना है और रजिस्टर न्यू स्कीम करना है, रजिस्टर न्यू स्कीम करना है उसके अंदर, रजिस्टर न्यू स्कीम यानी कि जो आपका अकाउंट आया है ZBC का HDFC से, अब आपको उसने ऐड करना है अपना
खाते में उसको मैप करना भी है कमर्स में, तो उसके लिए प्रोसीजर है सेलेक्ट स्कीम आपकी रहेगी सेम एचआर समीक्षक साहब कर लेंगे सिलेक्ट, ये आ गया है। अब आपको करना है सिलेक्ट फंडिंग एजेंसी, तो इसको ध्यान रखिए आपको तीसरे वाले पे चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और सर्च करना है। सर्च जब करेंगे तो एक विंडो खुलेगी आपकी, ये आ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एजेंसी कोड डालना है। ब्लॉक का मुझे आपके ब्लॉक का तो पता नहीं, गुड़गांव ब्लॉक का मुझे पता है, तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है गुड़गांव का, ये मैंने सेट डाला। ऐसे ही आपका भी होगा, कुछ आगे पीछे डिजिट होगा, 11 सेट के बाद तो चेंज हो सकता है, मगर आगे का तो सेम ही रहेगा। तो इसको सर्च किया, सर पटौदी का ही दिखाओ ना, वहां का दिखा रहे गांव का जी, वो कोड मुझे पता नहीं सर, क्या एजेंसी कोड पता नहीं है, आईडी मतलब नहीं है, कोई नहीं, कोई बात नहीं सर, वो एजेंसी कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, एजेंसी कोड आपका रहेगा, वो एजेंसी कोड 11 अक्षर का कुछ और होगा, मतलब ऐसी चार डिजिट में आगे पीछे होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको देखिए आप, ये देखिए अक्षर का सेट कर लिया है, ये देखिए आ गया बीडब्ल्यू का बीआरसी आ गया, आपका जो पीडब्ल्यू का पटौदी आ गया, जब इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, चेक एसएनए डिटेल आ रहा है, इसको क्लिक करना है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपके सामने आएंगे। देखो ये पूछ रहा है अकाउंट टाइप, अभी आपके सामने दिखा रहा है स्टेट नोडल अकाउंट, तो चेक आपका स्क्रॉल है, आपको स्क्रॉल करना है स्टेट नोडल की जगह, आपको क्या करना है जीरो बैलेंस सब्सिडी वाला अकाउंट आपको क्लिक करना है, जीरो बैलेंस वाला ही आपको यहाँ पर लेके आना है, और वो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड लिखा गया है। ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट ब्रांच करेंगे, वहाँ पर आईएफएससी कोड डाल दीजिएगा, विंडो आएगी, आईएफएससी कोड करके सर्च करेंगे तो ब्रांच एड्रेस भी आ जाएगा, ब्रांच नेम भी आ जाएगा, दोनों ऑटोमेटिक ले लेगा आपको एक को सेलेक्ट करने पर। यहाँ पर आपको जो जेडबीसी का अकाउंट आया है आपका एचडीएफसी से, वो आपने यहाँ पर टाइप करना है, और उसके बाद एजेंसी नेम एज पर बैंक, उस पासबुक में आपकी डिटेल भी आ होगी, एसएमसी जेडबीसीए जीपीएस पटौदी करके ऐसा लिखा भी आया होगा एक पूरा, उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा, उसको आप टाइप कर लेंगे। फिर नीचे आपके पास है एजेंसी अकाउंट स्कीम कंपोनेंट, तो इसको क्लिक करेंगे, इसको आपने कुछ नहीं करना है, बस एक बल्क आएगा एक लिखा हुआ, इसको आपने टिक कर देना है और इसको सेव कर देना है, अगर कुछ डालना नहीं होगा आपको, केवल बल को टिक करके सेव कर देना है, और यहाँ से ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। ये सेव होने के बाद आपका सेम प्रोसीजर जैसे डीएक्टिवेशन का 24 घंटे के लिए गया है, ये भी आपके 24 घंटे के लिए चले जाएगा, और ये अप्रूव होके आ जाएगा, ये अप्रूव होके आ जाएगा, और आपको अकाउंट डिटेल आपके पास सेव होके अप्रूव होके आ जाएंगे, और ये चेक होगी आपकी सेम माय स्कीम में जाके। मैं आपको बताता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है, स्कीम सेलेक्ट करने के बाद आपको थर्ड वन सेलेक्ट फंडिंग एजेंसी जीरो का इस पर क्लिक करना है, सर्च करेंगे तो आपका एजेंसी कोड मांगेगा, एजेंसी कोड आप पड़ोसी का डालिएगा, उसके बाद आपको अकाउंट टाइप में जीरो बैलेंस करना है, बैंक डिटेल यहाँ पर ब्रांच एड्रेस और वो आप टाइप करके भी आप सर्च करके भी डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक दोनों चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर अपना जेड पी सी वाला अकाउंट डालना है आपको, और यहाँ पर मैंने आपको बल्क जो है यहाँ पर सेव करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो बल्क आएगा, बल्क को आपने सेव कर लेना है, और उसको पूरी डिटेल को आपने यहाँ फाइनली सेव कर देना है, और ये आपका सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। जब ये सेव हो जाएगा तो 24 घंटे की प्रोसीजर है, आपका अकाउंट नया जो बनेगा ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये आपका चालू हो जाएगा, और वो मैंने बताया डीएक्टिवेट किया था वो बंद हो जाएगा, सारा पैसा इस खाते में आ जाएगा आपका, और वो भी ब्लॉक से ही आपके खाते में आएगा।
क्लॉक भी आपके पैसे में वो अमाउंट को ट्रांसफर करेगा जो आपने पहले जीरो कराया उससे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मैनेज में जाके आप अकाउंट की डिटेल चेक कर सकते हैं। स्कीम सेट करनी है सेम रहेंगे एचआर 187। ये सर्च हो गया ले लिया। देखो अब मेरे पास मैंने अकाउंट अभी खोल नहीं क्योंकि मेरे पास मेरे अकाउंट आ गया सामने देखिए क्योंकि मेरे बने हुए हैं। तो यहाँ पर वो आपका अप्रूव दिखा रहा है। देखो मेरा दिखा ना अप्रूव दिखा रहा है तो आपका भी वो अप्रूव दिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक। जो मैंने किया अभी आपका नया अकाउंट क्रिएट किया था तो वो यहाँ पर अप्रूव होकर दिखाएगा। आपका मैनेज में जाके आप सर्च कर सकते हैं उस अकाउंट का डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक नीचे आपकी टेबल आ जाएगी उसमें आपको दिख जाएगा मेरा अकाउंट ये है। तो ये देखो यहाँ पर अप्रूव के साथ वो दिखा हुआ आ गया है। ये है आपका ये ZDA लिखा आ गया यस करके। तो ये ऐसे ही आपके सामने आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगा। तो तीन स्टेप आपके पैरा स्टेप है आपका डीएक्टिवेशन का। डीएक्टिवेशन के बाद आपका न्यू क्रिएट करने का। जो चंडीगढ़ से आ रहा था वो डीएक्टिवेट हुआ अगर आपने नहीं किया है तुम्हें क्योंकि आपका क्योंकि अमाउंट उसमें गया था। अगर वो आपने HDFC के अकाउंट सारे HDFC के ही है HDFC का ही है लेकिन वो सेंट्रल है स्टेट का है। मानिए JDTS से अकाउंट पहले ही हमने मैप कर रखा है तो हमारा JDTS में ही आया होगा। तो मैं ही कह रहा हूँ जब आप ड्राइंग लिमिट चेक कर रहे हैं ना अपनी तो मैंने आपको बताया जो अकाउंट नंबर है वो जरूर चेक कर रहा है कि वही वाला है या स्टेट वाला है। अगर आपका अपना स्कूल का है तो कोई इशू नहीं है और तो आप सीधा आगे बढ़िए। अगर आपका नहीं है तो फिर आपको इस प्रोसीजर फॉलो करना है। चेक नहीं पासबुक में आता नहीं उसमें पासबुक में लिखा आ रहा है उसको करके तो ये आपका तरीका है इसको करने का। केवल ये प्रोसीजर तब बहुत होगा जब आपका अकाउंट मैप नहीं हुआ है या रजिस्टर नहीं हुआ है। अगर आपका रजिस्टर्ड है मैप्ड है तो आपको क्या करना है ड्राइंग लिमिट से आप चेक कर लीजिए कि मेरा अकाउंट ये है जिसमें पैसा आ रखा है इतना। अगर वहां से आपको लगता है कि स्टेट का है तो फिर आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये तीन प्रोसीजर होंगे डीएक्टिवेशन करके और एक्टिवेशन और आपका स्कीम जो सर्च होगा मैनेज में जाके वहां से भी आप अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है। इसमें तक यहां पे पता चलेगा यस लिखा रहेगा। हां यस लिखा रहेगा ना ये देखिए अपना अकाउंट नंबर यहां पे होगा और यस लिखा रहेगा। ये पूरा आएगा लिखा हुआ ऐसे ही आएगा लिखा हुआ आपका। समझ ले दीपक भाई फिर एक मास्टर में आपने लिमिट चेक करके दूसरा मास्टर आपके पास फिर से अवेलेबल है। इसके अंदर आपको यूजर क्रिएट करना है तो मास्टर के अंदर आपको यूजर में जाना है। यूजर में आपको ऐड न्यू करना है जो भी आपको यूजर बनाना है पहले आपको नए बनाने होंगे तो उसके लिए ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको विंडो खुलेगी ये सामने आपके आगे क्रिएट एजेंसी यूजर। तो आपको यहाँ पर क्रिएट एजेंसी यूजर करने हैं। इसमें आपको ऑप्शन आ जाएंगे तीन, एक है एजेंसी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, एक है एजेंसी डेटा अप्रूवर, एक है एजेंसी डेटा ऑपरेटर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऑपरेटर और अप्रूवर। ऑपरेटर होना है आपका जो ऑपरेट करेगा सारा बिल बिल बनाएगा। अप्रूवर है हेड जो इसको अप्रूव करेगा बिल को आपके। तो आपको किस पर जाना सबसे पहले जैसे डेटा ऑपरेटर बनाते हैं हम तो इसमें आपका नाम पूछेगा लास्ट नेम पूछेगा मेल फोन नंबर ये सब डिटेल आपको फिल करनी होगी। जब इसको आप लॉगिन आईडी आप अपना नाम से कुछ भी बना सकते हैं और वो यूनिक होगा। जब उसको सबमिट करेंगे तो एक पेज और खुल के आ जाएगा उसमें सारी डिटेल आ जाएगी यूजर आईडी ये पासवर्ड ये पूरा डिटेल करके आ जाएगा। तो वो आपको वो अपनी आईडी नोट कर लेनी है जो आपके मन आपके मैसेज भी आ जाएगा वो मेल पर भी आ जाएगा और फॉरवर्ड पासवर्ड पर जाकर उसको आप दोबारा से रिसेट भी कर सकते हैं पासवर्ड को सेम प्रोसीजर में जैसे हम कर रहे थे। तो ये सेम एजेंसी ऑपरेटर है। अब आपको सेम डेटा अप्रूवर में भी करना है तो इसके लिए भी सेम चीजें होनी है वही डिटेल आ गई लेकिन लेवल 1 है यहाँ पर लेवल 1 आ गया है ये लेवल 1 ही रहेगा आपका ये बाय डिफॉल्ट है।
तो इसमें हेड की डिटेल आ जाएगी और उनको सबमिट हो जाएगा, उनका भी यहाँ पर यूजर आईडी बन जाएगा। तो दो यूजर आईडी आपकी यहाँ से बनेंगी, एक है ऑपरेटर की, एक है अप्रूवल की। ये दोनों आईडी आपके मैसेज पर आ जाएंगे बनने के बाद, जब सबमिट करते हैं फाइनल यहाँ, तो लॉगिन आईडी भी आ जाएगी और पासवर्ड भी आ जाएगा आपके पास, ऑटोमेटिक आता है उस आपके मेल और मेल उस पर आ जाएगा। ये भी दो चीज़ें हो जाएंगी आपकी, तब आपके पास दो यूजर और बन गए हैं आपके, दो लॉगिन और बन जाएंगे। एक तो मैं चला रहा हूँ अभी आपके सामने, अब इसके बाद आपके पास अप्रूवल भी आ गया है और ऑपरेटर भी आ गया है। तो ये तीन चार चीज़ें हो गई हैं। कुछ क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। पहले मैंने आपको लिमिट बता दी, दूसरे मैं आपको माय स्कीम में जाना है। माय स्कीम में आपको क्या करना है, जो अकाउंट डीएक्टिवेट करना है उसको डीएक्टिवेट कर लीजिए पहले। उसके बाद आपको यूसी माय स्कीम के अंदर जाके नई न्यू आपका रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए, अगर आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो आप मैनेज में जाकर उसको सर्च भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि हुआ या नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें माय स्कीम के अंदर हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका जो बिल बनाएंगे वही चेक करेंगे फाइनल क्या है, ठीक है नहीं सब कुछ वही है। मैंने आपको पहले सिंगल जो सिंगल टीचर है दोनों है, ऑपरेटर भी है। ऑपरेटर को किसको बनाएगा, बाहर तो बनाएगा नहीं किसी बंदे को, थर्ड बंदे को। तो अपना ही उसे बनना, उसने बनाना है, उसने चेक करना है, उसने ही आपके फाइनल अप्रूव भी करना है। तो ये बन जाएगा मास्टर के अंदर आके, मास्टर में जो दूसरा मास्टर है उसमें आके आपको यूजर क्रिएट कर देना है, उसमें ऐड और ऐड करके आपके डेटा अप्रूवर और डेटा ऑपरेटर दोनों आपके बन जाएंगे। अब तीसरी चीज आती है इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो है बैंक की स्लिप कैसे निकलेगी। जो बैंक की स्लिप जैसे हमारा यूपीएस बैंक में जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो वैसे ही एक यूपीएस यहाँ से भी आपकी क्रिएट होती है। तो चालान फॉर्म बोला जाता है, प्रिंट चालान, तो वो प्रिंट चालान आपको बैंक में देना होगा। तो परमिशन पहले वन टाइम आपको यहीं से देनी होगी आपके एडमिन लॉगिन से। तो मेरे पास एक पेज है निकला हुआ अपने बिल का, तो ये आपको निकलेगा, वो ये जमा होगा वहाँ ये बैंक में जमा होगा एचडीएफसी में। तो इसमें दो साइन होंगे, दो साइन इसमें लिखे हैं। देखो ये आपके एक एक तरफ आपके सेक्रेटरी जो आपका स्कूल हेड हेड है उसके होंगे, दूसरी तरफ आपके एसएमसी प्रेसिडेंट है उसके होंगे। दोनों की मोहर लगेगी, दोनों के साइन होंगे, बैंक में जमा हो जाएंगे। और एक कॉपी आप मेरे पास रख लेंगे रिकॉर्ड के लिए, एक कॉपी आपकी बैंक में जमा हो जाएगी। सेकेंड पेज में उसकी डिटेल होती है जिसको आप एंटर बनाया है, उसके खाते में आप पैसे डाल दें। पहले में बैंक डिटेल है सारी आपकी, कौन सा अकाउंट है, किसको जा रहा है, और दूसरा वेंडर की डिटेल है जो आपने बना रखा है। तो यहाँ से उसको परमिशन देनी होती है वन टाइम, एक बार आप दे देंगे फिर ये हमेशा ऑटोमेटिक वहाँ पर अप्रूवल के पास आता रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना, बैंक के अंदर जाना है और बैंक में जाना है, नीचे आपके पास आएगा ऑप्शन अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट। ये देखिएगा अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। कॉपी पे रखो सर, इस पे नहीं चलेगा। यहाँ पर स्कीम सर्च करेंगे, एचआई शुदा से अकाउंट नंबर पर डालेंगे तो सर्च करेंगे। तो मेरा देखो सर्च करने के बाद ये आएगा, जैसे मेरा अकाउंट नंबर आ गया है सामने, एचआई शुदा से मैंने जो बोला वहाँ पर डालेंगे आप। मेरा आ रहा है एक्टिवेटेड, यानी कि मेरा एक्टिवेटेड हो चुका है, ये मैंने जो ई पेमेंट का ऑप्शन दे रखा वो एक्टिवेटेड है। तो आपके आगे क्या आएगा, ये सारी डिटेल लिखे आएंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बना आएगा स्क्रॉल वाला। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है उसमें, ये ऑप्शन अकाउंट एक्टिवेशन टाइप पूछेगा आपसे। यहाँ पर एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में आपको सेलेक्ट करना है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। वहां पर ऑप्शन आएंगे, इंटरनेट बैंकिंग भी आएगा और भी दो ऑप्शन और आएंगे, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस। ये सिलेक्ट हो जाएगा और वहां पर उसको सेव कर देंगे। इसके आगे एक सेव का ऑप्शन भी आएगा, उसको आप सेव कर देंगे और वो हमेशा परमानेंटली आपका वन टाइम सेव हो जाएगा।
और जब भी आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज आपकी आएगी वहां पे। तो आपको करना क्या है, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस पे ही क्लिक करना है और उसको सेव कर देना है और ये सेव हो जाएगा। ये जाना है आपको बैंक में, तो बैंक में ई पेमेंट एक्टिवेशन पर आपको जाना है, वहां से ये काम आपको करना है। तो ये चीजें आपकी हैं, फिर आपको यहाँ से केवल एडमिन लेवल से करनी है। बैंक में जाके आपको चालान के लिए ये परमिशन देनी है और मास्टर में जाके आपको यूजर क्रिएट करने हैं और माय स्कीम में जाके आपको अकाउंट से रिलेटेड जो भी है डीएक्टिवेशन और नए अकाउंट बनाने के लिए आपको वहाँ से परमिशन देनी है। और मास्टर में जो पहला वाला है वहाँ से आपने ड्राइंग मिनट में आप चेक कर सकते हैं। तो ये पहला काम जो है जो एडमिन पेज है उसका है और ये वन टाइम होना है। ये एक बार हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ऑपरेटर और अप्रूवल पे ही काम करना है। तो इसमें कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मेरे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका जो ध्यान रखेगा, ये नहीं होगा तो आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखेगा, ये यहाँ पर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस को जरूर क्लिक करके सेव जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन आगे बढ़ा है, दबाव मारा है, ऑपरेटर खोल के दिखाएं कैसे ऑपरेटर का काम होना है। तो ये चार पांच चीजें आपकी यहां से हैं जो आपको करनी है। ये ऑपरेटर के देखो पेज आपका सेम रहेगा, पेपरलेस का यही पेज रहेगा। और यहाँ पर देखो फॉरगेट पासवर्ड आता है, इस फॉरगेट पासवर्ड में जाके मैंने आपको बताया था जो आपको ऑपरेटर का जो ऑपरेटर अप्रूवल का ऑप्शन नहीं खुल रहा है आया होगा, तो आप यहाँ जाके उसको रीसेट भी कर सकते हैं। वहां से मिलेंगे आपके पास दो लॉगिन है, एडमिन का वहीं से मिलेगा, बगैर सारे आपको क्रिएट करना है, बता दी कैसे करना है, वो आपके एडमिन यूजर से होंगे। ये देखो मेरे नाम से बना हुआ है, यूजर ऑपरेटर है जो आपने मैंने बताया था कि ऑपरेटर जैसे बनाया था वो बनाया था। ये ऑपरेटर ये देखिएगा, ये ऑपरेटर मेरे नाम से बना हुआ है। आपको यहाँ पे क्या करना है, मास्टर पे जाना है, इसके ऑपरेटर के मास्टर पे आपको जाना है और वेंडर क्रिएट करना है। मास्टर पे जाना है, वेंडर पे क्लिक करना है, वेंडर के आगे आपके पास आ जाएंगे मैनेज और एडिट। तो आपको नए वेंडर बनाने हैं, अभी जो भी आपने जिससे काम कराना है, जिसके खाते में पैसे डालने हैं, उनको वेंडर बनाया जाएगा। और वेंडर जो होगा आपका किस तरीके से बनेगा वो आप देखेगा। आपको मास्टर में जाना है, मास्टर के अंदर आपको वेंडर जाना है, वेंडर में आपको मैनेज और एडिट दिखेगा। तो आपको पहले एडिट पर जाना है जो आपको नया क्रिएट करना है। ये एडिट आ गया, ये एडिट पर एक पेज खुल गया आपका, ये आप क्रिएट वेंडर हो रहा है जिसके खाते में आप पैसे डालेंगे, जो हेड स्कूल का पैसा डालेगा। तो वो कैसे उसको यूज करेंगे उस वेंडर को, ये आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। तो ट्रेड वेंडर पे जाएंगे, टाइप आ रहा है, पर्सनल लिखा रहा है, तो स्क्रॉल करते हैं क्या क्या चीजें आप देख लीजिए, ये आ गई है। तो आप पर्सनल कॉमर्शियल एनजीओ को भी गवर्नमेंट देना है, लेकिन अभी पर्सनल और कॉमर्शियल पर हम काम करेंगे। पर्सनल का कहने का मतलब ये है कि जो छोटा मोटा अमाउंट है स्कूल का 1,000-1,500 तक का भी काम होता है, जो कोई डिलीवरी आपने करा दी स्कूल में, किसी को चाय पानी का देना है, कुछ करना है, जैसे छोटा मोटे काम कराना है, तो आप पर्सनल ना के उसके अकाउंट में डाल सकते हैं। तो आपको क्या लेना है, पर्सनल कर देना है और उसकी डिटेल ले लेनी है। डिटेल लेके रखिए, उसकी नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी, तो कोई भी नहीं है उसमें लगे थी, लेकिन नेम हो गया उसका, नेम खाता नेम हो गया, जीएसटी नंबर उसके पास होगा नहीं, तो पैन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया और फोन नंबर जरूर ले लीजिएगा, मोबाइल नंबर जरूर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बैंक नेम जो भी उसका बैंक है, खाता जहाँ भी है, एसबीआई में, कैनरा बैंक है, या फिर पीएनबी में है, किसी में भी उसका खाता हो, तो आपको केवल उसका सिलेक्ट करके बैंक का नाम डालना है ऊपर। जैसे पंजाब नेशनल बैंक आएगा तो पंजाब नेशनल बैंक आएगा, उसको डिलीट कर लेना है। तो पंजाब नेशनल बैंक जो भी होगा ऑटोमेटिक उसका आईएफएससी कोड उठाएगा जहाँ भी उसका अकाउंट होगा। तो
तो आईएफएससी कोड आपको यहाँ डालना नहीं है, केवल उसका बैंक नेम डालना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। उस अकाउंट नंबर को डालने के बाद क्या करेंगे, उसको एड बैंक डिटेल हो जाएगी यहाँ पर और ये बैंक के पास अप्रूव होने के लिए चले जाए और ये भी अप्रूव होके एक दिन में वो से सबके आ जा रहे हैं जो भी वेंडर आप बना रहे हैं। यहाँ जो वेंडर बनेगा वो एक दिन में अप्रूव बैंक करके दे दे रहा है, कोई बड़ा बैंक है जो भी बैंक में उसका खाता होगा तो वो अप्रूव होके आ जाएगा आपका। ये बनाना है आपको वेंडर पर्सनल, ऐसे बनेगा डिटेल ये सारी रहेंगी कॉमर्शियल में भी, लेकिन आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉमर्शियल। लेकिन पर्सनल में आपको क्या करना है, ये डिटेल भरनी है, यहाँ पर बैंक नेम आएगा, अकाउंट नंबर ऐड करें और इसको फाइनल क्या कर देंगे आप सेव, जीएसटी जरूरी नहीं, ये आ गया सेव का ऑप्शन। फिर आपको क्या करना है, जब आपका पर्सनल वेंडर बन गया, अगर आपके पास आपने कहा कि मुझे कॉमर्शियल बनाना है, कोई बड़ा फर्म है जिसमें ज्यादा काम कराया है, उसको उसके पास जीएसटी नंबर वगैरह भी है, सब कुछ है, तो आपने उसको कॉमर्शियल बनाना है तो आपने क्या करना है, उसको क्लिक करना है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल के बाद भी सब डिटेल सारी आनी है, लेकिन उसका जीएसटी नंबर वगैरह जुड़ा दीजिएगा और डिटेल जो भी आपकी आ जाएगी सारी जो है नॉर्मल डिटेल जो भी है भरी जाएंगी। बैंक डिटेल, बैंक नेम मैंने आपको बताया सेम वही रहना है, अकाउंट नंबर वही रहना है, इसको एड बैंक डिटेल करना है और फिर उसको सेव कर देना है, ये हो जाएगा आपका कॉमर्शियल। अब ये तो आपके बन गए पर्सनल और कॉमर्शियल ऐड हो गए, लेकिन आप हमारे पास तो बड़े बड़े फॉर्म हैं जो ऑलरेडी आपके मैप होंगे, कोई गुड़गांव तो बहुत ही सारे जितने भी बड़े बड़े फॉर्म हैं वो सारे आपके वेंडर बने पड़े हैं, तो आपको आपने उनसे भी काम कराना है, उनको आप क्रेडिट तो कर नहीं पाएंगे, भाई क्रेडिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कराएगा, तो आपको क्या करना है उनको अपने उसमें लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब यहाँ से ये न्यू बन जाएंगे जो आपने न्यू बनाना है तो आपको उसी में जाना है, सेम वेंडर में जाना है, वेंडर में मैनेज पे जाना है, मैनेज पे क्लिक करेंगे। देखो जो आपने अपना पर्सनल बना रखा है वेंडर रजिस्टर बाय न्यू आ जाएगा, वो दिखा रहा हूँ उसका अकाउंट आप यहाँ डालोगे तो वो सर्च हो जाएगा आपका, जिस नाम से बनाया मोहित या सुरेश, जिस नाम से बनाया होगा आपने, जो भी आपका लेबर जिससे काम कराइए आपने, तो उसका डिटेल्स वो कर देगा। अब जो ऑलरेडी मैप्ड हैं, जो मैप कर दिए, जैसे मैंने दो चार वेंडर बना दिए, तो आप उससे भी काम करा रहे हो, वो तो मेरे साथ मैप्ड है, आपके साथ तो है नहीं और आप उसको करने जा रहे हैं वो हो नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल में सेलेक्ट करना है वेंडर नॉट मैप्ड विद मी, आपको ये क्लिक करना है क्योंकि वो वेंडर आपके साथ मैप्ड नहीं है, तो आपको ये आप करना है, इसको सेट करेंगे तो उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, जिस वेंडर को आप लाए जिस कौन सा आपने काम कराना है उसका अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे, तो देखो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो गुड़गांव पूरे हरियाणा के बने हुए आ गए हैं आपके पास, इतने सारे वेंडर बनाएंगे, तो ये वेंडर अगर आपको लगता है कि मेरा वेंडर ये ऑफिशियल इंप्रूवमेंट जो एडवांस किया वाला है पिपली वाला ये जो भी रिक्लियर वाला गवर्नमेंट ये एडवांस वाला आ गया है, तो आपने क्या करना है इसके इसके आगे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और नीचे आपके पास आएगा मैप वेंडर, तो आपको मैप वेंडर करेंगे तो ये सक्सेसफुली आपके साथ मैप हो जाएगा, तो ये आपको इसकी अकाउंट डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ मैप वेंडर कर देंगे ये आपके पास मैप हो जाएगा और जब भी आप बिल बनाएंगे तो ये वहां पर शो करेगा। और इतना नहीं जाना है तो आपको क्या करना है उसके अकाउंट पर डाल देना है, सर्च करेंगे कि वही दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना है उसी चेकबॉक्स पर साइन कर क्लिक करना है और उसको मैप वेंडर कर देना है, मैप वेंडर आपके साथ मैप हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है आपका जो ऑलरेडी मैप्ड हुए हैं तो उनको आपने ऐसे आपके साथ मैप कर देना है। अगला आता है इसमें, इसमें दो चीजें हो गई हैं, एक आपका वेंडर क्रिएट करना हो गया है, वेंडर को मैप करना, दोनों चीजें आपके पास हो गई हैं। जो वेंडर बन गया, वेंडर मैप हो गया, अब आपको करना है इसका नेक्स्ट खर्चा, अब एक्सपेंडिचर में चलेंगे, तो एक्सपेंडिचर में चलेंगे, नीचे एक ऑप्शन है इसका एक्सपेंडिचर का यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको एड न्यू करना है, सेम आएगा मैनेज और एड न्यू, सब जगह एड न्यू और मैनेज चलेगा आपका, आपको एड न्यू करना है क्योंकि आपको नया बिल बनाना है किसी के लिए। अब वो बिल कैसे क्रिएट होगा ये देखिएगा, आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है यहाँ से HR 187, प्रोजेक्ट आपका ऑटोमेटिक, इसको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, अकाउंट देखो मेरा ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि मैप है तो आ गया है। अब आपको
एक्सपेंडिचर डन फॉर करना है, किसके लिए करना है ये देखिएगा, एक आ रहा है वेंडर, दूसरा आ रहा है बेनिफिशियरी। तो आपको क्या करना है, वेंडर सेलेक्ट करना है, बेनिफिशियरी एक्टिव नहीं है अभी आगे से, तो आपको वेंडर सेलेक्ट करना है जो आपने वेंडर बनाए हैं अभी। तो वेंडर आपने सेलेक्ट किए, ये आपसे पूछेगा वेंडर सेलेक्ट वेंडर, जो आपने वेंडर बनाए हैं जो मैप कर रखे हैं, तो यहाँ से वो पूछेगा कौन सा वेंडर है। जैसे मेरे पास मेरे तीन चार वेंडर बनाए हुए हैं, जैसे मेरा कोई मेकर है, ये मैंने बच्ची बना रखी है सी डब्ल्यूशन वाली, तो मैंने इसको मैप कर दिया, ठीक है। तो ये बच्ची मैप हो गई, वहां पर उसका नाम डिटेल सारी आ गई, उसका तो नंबर आ गया, लिखा आ गया, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर डालना है, जो भी ऑफिस आपके लेटर आगे से आते हैं बीओ या बीओ से जीपीसी से, जो भी आगे से आ रहे हैं आपके, तो वो यूनिक नहीं होंगे, वो तो सबके लिए एक जैसे ही हैं, तो वो आप डालेंगे तो वो उसको ऑलरेडी एक्सेस बताएगा, अगर एक ने भी डाल दिया तो आपको क्या करना है, अपने ऑर्डर बनाना है, जो आप एसएमसी में रेजोल्यूशन निकालते हैं या ऑफिस का ऑर्डर बुक रखते हैं, जो भी ऑर्डर निकालेंगे तो उसका वो ऑर्डर नंबर यहाँ डाल दें, 001 या 005 002, जो भी आप डालेंगे यहाँ पर आ जाएगा, उसका हेड जो भी यूज कर रहे हैं, स्कूल हेड है या सी डब्ल्यूएशन है, वो लिख दीजिएगा, और उस ऑर्डर की कॉपी अगर लगाना चाहें तो उसका पीडीएफ बना के यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं, जो आपने ऑर्डर निकाला है इतने अमाउंट का इस मद से निकालने करके, तो वो पीडीएफ भी आप बना सकते हैं, उसको आप सेव कर लेंगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंक्शन डेट, जिस ऑर्डर पर आपने रिजोल्यूशन निकाला है इस अमाउंट के लिए, इसको ग्रांट खर्च करिए, तो उसका सेंक्शन डेट आ जाएगा, और ट्रांजेक्शन डेट जो आएगी जिस दिन आप बिल बना रहे हो उसी दिन का ही काउंट होगा। अब जैसे मेरे पास 1,20,000 मेरा बैलेंस है, तो इसमें से मैंने कहा कि मैंने 3,000 खर्च करना है इस पूरे ग्रांट में से, तो मैं यहाँ 3,000 टाइप कर दूंगा, या 3,000 आ गए आपके, 3,000 आ गए, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, नरेशन में नरेशन आ रहा है, यहाँ पर लिखूंगा स्कूल ग्रांट फॉर एक्सपेंडिचर, तो स्कूल ग्रांट से मैं रिपेयर का कर रहा हूँ, तो स्कूल ग्रांट रिपेयर एक्सपेंडिचर करके नीचे छोड़ दूंगा। वाउचर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, यहाँ पर एक्सपेंस टाइप लिखोगे, इसको हमेशा रेवेन्यू करना, रेवेन्यू में क्लिक हो जाएगा, और परसेंटेज पहले अमाउंट डाल दीजिए, अमाउंट कितना मैंने खर्च किया, 3,000 पहले आ गया, और 3,000 डालते उसको परसेंटेज को 100 कर देगा, क्योंकि मैं इस 3,000 को पूरा यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो उसने क्या ले लिया, उसको 100% ले लिया। अब ये मत सोचिएगा कि मेरे पास 40,000 रुपये आ रखे हैं एसएससी, वो क्यों नहीं दिया उसने आपको, वो अमाउंट डाली वो 40 में से आप 3,000 खर्च कर रहे हैं, तो उसका ही 100% है। कुछ जैसे अमाउंट कम रह जाए, 3,000 से कम हो जाए तो जी, किसका जैसे 3,000 भर दिया आपने जी, वो तो मैं एक जनरल हिसाब को दिया था, 2,000 भी हो सकता है, 1,500 भी हो सकता है जी, 2,828 होगा जी, डाल दो सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, वो तो आपका यहाँ काउंट होते जाएगा सर, ये पॉइंट पर भी जाएंगे, पैसे भी दिखा रहे हैं आपको, वो तो मैच होते जाएगा ना इससे आपका, तो मैंने ये डाल दिया आपका। फिर क्या करना है आपको, कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, जिस हेड से पैसा आ रहा है वो आपको हेड सेलेक्ट करना है यहाँ से, वो हेड गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेड गलत होगा तो आपसे आगे से पूछा भी जा सकता है कि आपने इस हेड से कैसे निकालते हैं पैसा, इस हेड में पैसा आया नहीं था, तो हेड पूछेगा आपसे, आप देखते हैं बिल बनते हैं स्कूल में, हेड नहीं पूछता आपसे कि कोई बिल बनाते हैं तो मेडिकल सेंक्शन आते हैं, किस सेंक्शन की मेडिकल किस बिल है, मैं हेड से आ रहा है, तो ये भी हेड आपको ढूंढने हैं यहाँ पे, हेड की पीडीएफ फाइल भी आपसे आ गई, आ गई आगे से, तो आप उसको ब्लॉक से मेल आपको करवा देंगे उसको भी। ये देखिए एक विंडो बन जाएगी आपको, तो यहाँ पर आपको वो हेड सेलेक्ट करना है, जैसे स्कूल ग्रांट में टाइप कर लेता हूँ, मैंने किया था अभी, तो ये स्कूल ग्रांट को देखो सर्च करेगा इसमें जहाँ भी हेड होगा, ये देखिए जहाँ पे स्कूल ग्रांट दिखेगा वहां पर जाइए, देखो वहां पर ब्लैक कर दिया उसने, ये दिखा रहा है स्कूल ग्रांट कंपोसाइट ग्रांट एलिमेंट्री के लिए दिखा रहा है, अभी एलिमेंट्री सेकेंडरी वाला भी है, तो ये एलिमेंट्री ये दिखा रहा है, तो 5.01 18 इसका हेड है, देखिए इस हेड को आपने इस्तेमाल करना है, इस वाले हेड को ही आप क्लिक करेंगे तो ये वहां पर आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया स्कीम कंपोनेंट, तो ये स्कीम कंपोनेंट भी आपको देखने हैं, तो उसके बाद ही आप पैसा निकाल रहे हैं। मोबिलाइजेशन वाला 500 वाला जो अलग है, क्या करते हैं मोबिलाइजेशन के अंदर सारी सारी
हेलो ना चल रही है सर सुरेंद्र बोल रहा हूँ ये कीवर्ड हमें जानना चाहिए जानना पड़ेगा ना ये कमोडिटी मोबाइल है इन्वेंटरी का देखो आपको जो 500 पे निकाला ना अगर सेलिंग का तो वो आप यहां से निकाल सकते हैं 5.01 से निकाल सकते हैं मैंने टाइप कर दिया ये मोबिलाइजेशन के अंदर आएगा तो हर सेलिंग का 500 पे आएगा कौन से ये सर बता दो आपको जैसे हर तरह डालेंगे तो आ जाएगा मोबिलाइजेशन करके मोबिलिटी करके डालेंगे तो आ जाएगा वो उसमें सब लिखे हुए हैं हेड वो मेल करवा देंगे ब्लॉक से आपको ब्लॉक से मेल करवा लेना मैं भिजवा भी दूंगा डिटेल्स आपको ब्लॉक से मेल करवा देंगे स्कूल को ये हेड सारे आपको मैं बता रहा हूँ कि उसमें सारे दिखती भी है माई स्क्रीन में जाके दिखा दूंगा मैं आपको भी तो ये हेड आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे ऐड करने के बाद जो अमाउंट है वो 3000 यहाँ पे आ जाएगा उसको आपने सेव कर देना ये सेव होने के बाद सक्सेसफुली आपका किसके पास चले जाएगा अप्रूवर के पास जो आपका तीसरा जो लॉगिन खुलेगा अप्रूवर का जो आपका स्कूल का हेड है उसके पास चले जाएगा आप उसने ये 3000 रुपये जो है वेरीफाई कर देना कि जो आपने बिल बनाया या ठीक है या नहीं तो उसके पास पावर है जेंट करने के और अप्रूव करने के तो यहाँ से बिल बना आपका सेव होने के बाद सक्सेसफुली चले जाएगा आपके हेड के पास तो ये आपका है मेन ऑपरेटर का लॉगिन ऑपरेटर लॉगिन में आपको बता दिया कैसे यूज करना तो कोई इशू है तो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते ऑपरेटर तो जैसे एक है तो एक ही बनेगा वो तो ऑपरेटर बनेगा वही आपका एडमिन बनेगा अप्रूवर भी तीनों एक ही है लेकिन जो स्कूल में अगर स्टाफ ज्यादा है जिसको थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज हो या टेक्निकल ये वो थोड़ा बहुत जानता हो काम तो उसको आप बना सकते हो बैठा तो आपको उसके साथ पड़ेगा ही कि काम तो कराना है तो साथ तो बैठना पड़ेगा कैसे क्या बनाना तो बनाना पड़ेगा आपके साथ बस ये हो जाएगी लॉगिन उसका नाम चलेगा कोई इशू नहीं कोई बन सकता है तो ये आपका है कि कैसे बिल बनाना है और कैसे आपका वेंडर क्रिएट हुआ कैसे वेंडर आपके पास आया कैसे वो मैनेज हुआ कैसे वो मैप आपने किया ये चीजें ऑपरेटर ने करनी है तो ये यहाँ से काम हो गया आपका ऑपरेटर का थर्ड वन है अप्रूवर का तो ये आपको निकालना है आपको पहले बताया था ये कितनी जो जनरेट हुआ था प्रिंट एडवाइस अब ये काम होना है तो ये काम उसको केवल क्या करना है एक्सपेंडिचर में जाएंगे ये जैसा एक्सपेंडिचर यहाँ पे आया था यहाँ पे एक्सपेंडिचर की जगह थर्ड वन होता है यहाँ पर होता है अप्रूव्ड का ऑप्शन होता है बस वो अप्रूव को क्लिक करना है आपको उस अप्रूव पे क्लिक करेंगे अप्रूव पे क्लिक करते वो सामने आपका स्कीम पूछेगा आपने एचआर सप्लाई डालना है वहां पर सेंक्शन नंबर पूछेगा सेंक्शन नंबर मैंने आपको बताया था 001 करके आपने ग्रांट डाली है कोई भी स्कूल ग्रांट लिख के लिखा है उस सेंक्शन नंबर लिख दीजिए वो यूनिक होगा तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन होगा सर्च करेगा तो बिल आ जाएगा आपका जो बिल बनाया आपने अभी मैंने आपको बताया था ये वाला वो बिल आपका वहां पर आ जाएगा रेड में बना हुआ आपका आगे से तो आपने उस बिल को क्लिक करना है और बिल बिल्कुल क्लिक करते हैं वो सारी डिटेल दिखा देगा 2000 इस टीना वेंडर को मैंने देने हैं 2000 इसका अकाउंट नंबर ये करके सारा लिखा जाएगा तो आपने क्रॉस वेरीफाई करना है कि वेंडर का अकाउंट नंबर ठीक है और जो मैं पैसा दे रहा हूँ ये ठीक है तो आपने क्रॉस वेरीफाई नीचे आएगा अप्रूव्ड और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा आपने क्या करना है उसको अप्रूव्ड कर देना है अगर आपको ठीक लगता है तो अप्रूव के लिए यस नो पूछेगा तो आपने यस कर देना है यस करते ही नीचे छोटा सा एक लिंक आ जाएगा उसको आपने क्या करना है ये PPT, PDF बन जाएगा। ये PDF बन जाएगा क्योंकि आपने इसको परमिशन आगे से दे दी थी आपकी तो ये जो बनेगा तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना वहीं पर से
ये डाउनलोड कैसे होगा, अगर वहां पर नहीं खुलता है तो यहाँ पर पॉपअप का ऑप्शन आ जाता है, एक पॉपअप ब्लॉक करता है कभी कभी सिस्टम को, वो पॉपअप को आप परमिशन दे दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जब दोबारा करेंगे तो वो आपका पीडीएफ फाइल आपके होम पेज पे खुल जाएगी यहाँ से, तो उसको आप सेव कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं और उसको नेक्स्ट डे जाके बैंक में ये प्रिंट ये आपकी बनी है लीजिए, इसको आपको जमा कर देना, एक कॉपी अपने पास रखिए बैंक में। तो ये तो केवल इतना है, एक्सपीरियंस अकाउंट बस इतना ही है, उस पर पेज सेव खुलेगा, यहाँ पर मैंने मेरा नाम आ रहा था, वहाँ पर मेरे प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा रूम आलम करके, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर में जाना है आपको फाइनल, यहाँ पर एक्सपेंडिचर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा मिलेगा, तो होता है तो एक बार आपको करके दिखा देते हैं। तब जाके आपका लॉगिन होगा, एकदम से लॉगिन नहीं होगा, स्टार्ट में हो नहीं रहा आपका, आपका दिक्कत कर रहा है। तो ये खुल गया है आपका हेड का लॉगिन, तो हेड को क्या करना है, जो बिल बन चुका है आपका उसको यहाँ चेक करना है एक्सपेंडिचर में, मैंने आपको एक्सपेंडिचर बताया, अब फूड का ऑप्शन आ रहा है आपका, अब वो में जाएंगे, वही इसको आप स्क्रीन कट कर दी है, यहाँ पर वो सेक्शन नंबर लिख दीजिएगा जो आप बिल बनाएंगे, तो सेक्शन नंबर जो डालेंगे तो सब, जब सेक्शन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है, जब सर्च करेंगे तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा, रिकॉर्ड आपका यहाँ पर बिल के साथ आएगा, वो बिल नंबर को आपको क्लिक करना है, वो रिकॉर्ड आपके नीचे पेज खुल के आ जाएगा, थोड़ा सा उसको लिखा हुआ डिटेल ऐसे डिटेल लिख के आ जाएगी, ये डिटेल लिख के आ जाएगी, इसमें लिखा हुआ देखो आपका महेश कुमार करके ऐसी डिटेल लिख के आ जाएगी, इतना ये पूरा डिटेल लिखा आएगा ऐसे से, ये डिटेल आपको अप्रूव करनी, उसके आगे ऑप्शन आएगा नीचे आएगा सेव एंड अप्रूव एंड रिजेक्ट, तो आपको अप्रूव करना है, अप्रूव करने के बाद वो अप्रूव सक्सेसफुली अप्रूव दिखाएगा, नीचे आएगा यस या नो, तो आपको केवल यस कर देना है, यस करने के बाद यहाँ पर एक मैंने आपको बताया था पीपी जनरेट हो जाएगी, बस आपको वो डाउनलोड कर देनी, वो डाउनलोड करते ही आपका ये पीडीएफ निकल जाएगा, इसका प्रिंट आप दो कॉपी लेनी है, एक बैंक में जमा कर देनी है और एक अपने पास रख देनी है, और ये लास्ट आपको साइन कराना है, साइन का ध्यान रखिएगा, दो तरफ है, एक तरफ आपका हेड का रहेगा, एक तरफ आपका एसएमसी का, इधर एसएमसी का रहेगा, इधर स्कूल हेड का रहेगा, तो ये है एक्सपेंडिचर का, इतना ही है हर वर्ग का, क्या बिल चेक करना है, उसको फाइल अप्रूव करना है, ये पीडीएफ फाइल आपको ले लेनी है, सारा काम ऑपरेटर पे होना है, और एडमिन का काम केवल एक वन टाइम होना है जब तक आपका अकाउंट मैप नहीं हुआ, जितने बिल बनाओगे सर सब पेटी बनेगी उसकी कॉपी आप कितनी दिन निकाल सकते हैं हमारे पास नंबर है, वहाँ जाके हर चीज़ उनसे बात करना है।